हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ दीपिका मैडम टेक से और आज मैं हूँ नोकिया के लॉन्च पर, जहाँ नोकिया ने नोकिया 5.1 प्लस और नोकिया 6.1 प्लस को लॉन्च किया है इंडिया में. और ये है नया नोकिया 5.1 प्लस, कुछ इस तरह का दिखता है. इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नोकिया 5.1 प्लस का एक क्विक लुक. तो फ्रेंड्स, ये है नया 5.1 नोकिया 5.1 प्लस आपके सामने. कुछ इस तरह के लुक्स हैं इसके. लुक्स दिखने में काफ़ी अच्छे हैं और साथ ही आप देखेंगे ग्लास बैक है, एल्युमिनियम यहाँ पर आपको मेटल का फ्रेम मिल जाता है. और ये अभी मेरे पास ब्लू कलर वाला वेरिएंट, देखेंगे बहुत ही प्यारा सा ये ब्लू आ रहा है, लाइट के साथ ये चेंज भी हो रहा है. साथ ही इसमें वाइट और ब्लैक भी निकले हैं. तो आप देखेंगे टॉप में जो नॉच है वो काफ़ी ब्रॉड है लेंथ वाइज, और जो 6.1 प्लस इनका वर्जन निकला उसमें ये काफ़ी छोटा है. नॉच के अंदर आप देखें प्रॉपरली ये ईयर पीस और फ्रंट कैमरा को प्लेस किया गया है. और बेजल्स काफ़ी पतले हैं यहाँ पर, और स्क्रीन साइज 5.8 इंचेस का मिल जाता है. डिस्प्ले है वो है 5.8 इंचेस का, फुल HD प्लस नहीं है पर HD प्लस है सिर्फ, और फुल व्यू डिस्प्ले है. और साथ ही आप देखेंगे 19:9 का एस्पेक्ट रेशियो मिलता है क्योंकि यह नॉच दिया गया है. इसमें है AR गेमिंग और वीडियो स्ट्रीमिंग फैसिलिटी, यानी कि इसमें नॉर्मल GPU की जगह आपको VPU मिल जाता है और आपको एक बहुत ही बढ़िया व्यूइंग एक्सपीरियंस मिलता है. जब आप गेम्स खेलते हैं या मूवी स्ट्रीम करके देख रहे हैं या कुछ भी वीडियोस देख रहे हैं, तो उस केस में यहाँ पर इसमें AR है. और साथ में आप बैक पर देखते हैं तो यहाँ पर आपको डुअल कैमरा सेटअप मिलता है डुअल LED फ्लैश के साथ, और एक फिंगरप्रिंट सेंसर, हाइब्रिड सिम ट्रे स्लॉट, सी टाइप चार्जिंग पोर्ट फास्ट चार्जिंग या सपोर्ट करता है, माउथ पीस है, स्पीकर ग्रिल बढ़िया तरीके से बनाया गया है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन नहीं है, ये मैं आपको पहले ही बता दूँ. अब चलते हैं इसके टच पे, तो टच काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्ड कर रहा है और व्यूइंग एंगल्स अच्छे हैं. अगर आप सेटिंग्स पर जाते हैं और चलते हैं यहाँ अबाउट फ़ोन में, तो अबाउट फ़ोन में इसमें है एंड्रॉयड 8.1 ओरियो आउट ऑफ बॉक्स, साथ ही इसमें है एंड्रॉयड 1 यानी कि प्योर एंड्रॉयड स्टॉक एंड्रॉयड का यहाँ पर एक्सपीरियंस मिल जाएगा. बहुत कम क्लटर आपको मिलता है यहाँ पर, और यू नो ज़्यादा स्किन आपको यहाँ पर लगी हुई नहीं मिलती है, बिल्कुल सिंपल प्लेन हैंडसेट मिलता है. इसमें है प्रोसेसर 1.8 GHz का octa-core MediaTek P60 प्रोसेसर, जो कि MediaTek का लेटेस्ट प्रोसेसर है जो अभी मोबाइल वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में कुछ टाइम पहले लॉन्च हुआ था. आते हैं स्टोरेज पर, तो स्टोरेज इसमें आपको मिल जाती है 3GB प्लस 32GB वाला वेरिएंट, और वेरिएंट्स नहीं है इसमें, 3GB 32GB का ही कॉम्बिनेशन अवेलेबल होगा. बैटरी है इसमें 3060 mAh की, साथ ही फास्ट चार्जिंग तो सपोर्ट करेगा, तो ज़्यादा बैटरी इशूज़ यहाँ पर आपको शायद नहीं आने चाहिए, बट हाँ बैटरी थोड़ी और ज़्यादा हो सकती थी. आते हैं कैमरा सेक्शन पर, तो बैक का जो डुअल कैमरा है उसके स्पेक्स हैं 13+5 MP के, तो कुछ इस तरह से देखेंगे कलर्स इसके बहुत बढ़िया नज़र आ रहे हैं यहाँ पर. और साथ ही जो सबसे अच्छी चीज़ है यहाँ पर वो है लाइव बुके मोड, यानी कि आप फ़ोटोज़ में बुके इफ़ेक्ट के साथ आप जब फ़ोटोज़ ले रहे हैं उसके बाद भी आप उन फ़ोटोज़ में बुके को एडजस्ट कर सकते हैं, तो इस प्राइस रेंज में ऐसा फीचर देना बढ़िया चीज़ है. साथ ही आपको मैनुअल मोड मिलता है, पैनोरोमा तो है ही, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है जो कि फ़ोन की लाइटिंग एडजस्टमेंट्स को और सराउंडिंग्स के हिसाब से एडजस्ट कर रहा है. आप देखेंगे मैं ज़रा सा भी लाइटिंग कंडीशन को यहाँ चेंज करती हूँ तो ये ऑटो डिटेक्ट करके इसे चेंज करता है. साथ ही फ्रंट में भी आपको यहाँ बुके मोड मिल जाता है, जिससे कि आप अच्छी पोर्ट्रेट सेल्फीज़ खींच सकते हैं बुके मोड वाली. यहाँ पर आपको मिल जाता है बूके एडिटर, जिससे कि आप इनफैक्ट अभी मैं सब्जेक्ट हूँ तो अगर मैं यहाँ क्लिक करती हूँ तो मैं टोटली सब्जेक्ट चेंज कर सकती हूँ, और मुझे कितना बैकग्राउंड ब्लर रखना है उसे भी चेंज कर सकती हूँ. साथ ही सेल्फीज आप देखें अच्छी आ रही हैं, और इस तरह से अच्छी डिटेल्स कैप्चर कर रहा है. कलर्स देखें वाइब्रेंट से आ रहे हैं.
तो ये कुछ पिक्चर्स यहाँ मैंने क्लिक की हैं। तो ये था नोकिया 5.1 प्लस का एक क्विक लुक। इसका प्राइस और अवेलेबिलिटी अभी क्लियर नहीं किया गया है। अवेलेबिलिटी बोला है कि सितंबर में अवेलेबल हो जाएगा, मगर कोई स्पेसिफिक डेट नहीं बताई गई है। और ये भी फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल होगा एज़ पर ऑनलाइन पार्टनर्स जहाँ तक कंसर्न है। और साथ ही ये अवेलेबल होगा nokia.com/phones पर, यानी कि नोकिया की अपनी खुद की वेबसाइट पर ये अवेलेबल होगा। और इसका प्राइस जो वर्ल्ड मार्केट में है वो है करीब 199 यूरोस, जो कि 15,900 समथिंग के अराउंड आता है। तो मैं जो इसका प्राइस एक्सपेक्ट कर रही हूँ वो करीब आप समझ लीजिए 14,000 के अराउंड एक्सपेक्ट कर रही हूँ, बिकॉज जो 6.1 प्लस यहाँ लॉन्च हुआ है उसका प्राइस इन्होंने क्लियर किया है, जो कि है 15,999, यानी कि 16,000 रुपये। और ये जो है 5.1 प्लस है 3+32 GB वाला वेरिएंट और मीडियाटेक प्रोसेसर के साथ, और 6.1 प्लस जो है उसमें आपको स्नैपड्रैगन का क्वालकॉम का प्रोसेसर मिल जाता है और 4+64 GB का वेरिएंट मिलता है। तो एक्सपेक्टेशन मेरी करीब मेरे ख्याल से दोनों फ़ोन्स में अराउंड 1.5 से 2,000 रुपये का फ़र्क होना चाहिए। तो इस वीडियो में आपके लिए इतना ही, अगले टेक बाइट में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू एंड बाय।